नमस्कार, एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन कैसे वर्क करता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी डेटाबेस में से अगर आपको रो के हिसाब से कोई वैल्यू लुकअप करनी है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एच लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको कॉलन के हिसाब से लुकअप करना है, कॉलन वाइज लुकअप करना है, तो आपको वी लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सीखेंगे एच लुकअप। तो एच लुकअप कैसे यूज करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे हमें क्या करना है कि जिस स्टूडेंट का यहाँ पे नेम लिखें तो उसकी इंग्लिश, हिंदी, साइंस, गुजराती, मैथ्स, SS इन सब्जेक्ट में कितने मार्क आए हैं वो हमें लुकअप करना है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूज करना है एच लुकअप। उसके बाद में ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पर हम जो लुकअप वैल्यू करेंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, न कि पर्सन के नेम के हिसाब से। तो इंग्लिश यहाँ पर हमें इस सेल में चाहिए इंग्लिश का मार्क। ठीक है, तो हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे, यानी जो वैल्यू आपको लुकअप करनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर टेबल एरे ये कहाँ से सेलेक्ट करना है, यानी अगर मैं सब्जेक्ट के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ तो कंपलसरी मुझे सब्जेक्ट वाला रो इंसर्ट करना ही पड़ेगा, टेबल में ऐड करना ही पड़ेगा। यानी वो टेबल या रेंज आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको वैल्यू लुकअप करनी है। तो जैसे मैं ये टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे वो वैल्यू लुकअप करना है। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी अब ये जो आपने टेबल सेलेक्ट की उसमें से आपको कौन सी रो का रिजल्ट आपको डिस्प्ले करना है, कौन सी रो की वैल्यू आपको रिजल्ट में डिस्प्ले करनी है, आउटपुट में डिस्प्ले करनी है। तो हमें किस पर्सन की वैल्यू चाहिए, A1 की। तो A1 के लिए जो हमने टेबल सेलेक्ट किया उसमें कौन सा रो यूज हो रहा है, जैसे ये रो 1 ये 2, तो A1 के लिए कौन सा रो यूज हो रहा है, 2। यानी A1 की जो वैल्यू है सेकंड रो में स्टोर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, उसके बाद में ट्रू और फॉल्स, तो अगर यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच यूज करना तो फॉल्स यूज यहाँ पे 0 लिखिए, और अगर आपको अप्रोक्सीमेट यूज करना है तो 1 लिखिए। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट मैच, तो हम लिखेंगे 0 फिर एंटर। ओके, तो इंग्लिश में A1 के कितने मार्क आए हैं, 52। ठीक है, उसी तरह हमें सभी सब्जेक्ट के चाहिए, तो सभी के लिए क्या रहेगा, लुकअप वैल्यू चेंज होगी लेकिन एरे जो रहेगा, टेबल एरे, वो सबके लिए फिक्स रहेगा, यानी सेम रहेगा। तो हम उसको फिक्स कर देते हैं, ओके। अब इस फॉर्मूला को ड्रैग कर देते हैं, तो देखिए साइंस यहाँ पर नहीं मिला, मतलब नेम में हमने मिस्टेक की थी, स्पेलिंग मिस्टेक, इसलिए देखिए अब शो हो रहा है। इंग्लिश में A1 के मार्क कितने हैं, 76, हिंदी में 60, साइंस में 86 और गुजराती में 53, मैथ्स में 76 और SS में 84। तो हमें इस तरह लुकअप करके दे रहा है, यानी अगर आपको किसी डेटाबेस में से रो के हिसाब से कोई वैल्यू लुकअप करनी है तो आपको एच लुकअप यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।